सिटी इंडिया। कच्चा चिट्ठा में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के बाद अब बात ईरान की। ईरान को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई। यूएन के पूर्व न्यूक्लियर इंस्पेक्टर और एक्सपर्ट डेविड अलब्राइट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा किया। क्या ये दावा है, गौर से सुनिए और समझिए। दरअसल अलब्राइट का दावा है कि 5 महीने में 12 एटम बॉम्ब ईरान बना सकता है, कुछ हफ्ते में पहला बॉम्ब बनकर तैयार कर सकता है ईरान। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि तेहरान के पास 1 महीने में 5 बॉम्ब बनाने का यूरेनियम तक मौजूद है। ये बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है। ईरान और ईरान के जो परमाणु प्रोग्राम को लेकर पूरी दुनिया है वो खौफ के साए में जी रही है, क्योंकि अमेरिका की साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के परमाणु बॉम्ब बनाते ही दुनिया में बहुत बड़ा धमाका होगा। पहला परमाणु बम, दूसरा परमाणु बम, तीसरा परमाणु बम, चौथा परमाणु बम, पांचवा परमाणु बम, छठवा परमाणु बम, सातवां परमाणु बम, आठवां परमाणु बम, नवा परमाणु बम, दसवां परमाणु बम, ग्यारहवां परमाणु बम, बारहवां परमाणु बम। इसे देखने के बाद पूरी दुनिया डरी हुई है। क्या कुछ ही हफ्ते में ईरान परमाणु बम तैयार कर सकता है? क्या ईरान चाहे तो 5 महीने में 12 न्यूक्लियर बम बना सकता है? अमेरिका के साइंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट की माने तो जवाब है हां। ईरान कुछ हफ्तों में पहला बम तैयार कर सकता है। ईरान के पास 1 महीने में ही 6 बम बनाने के लायक यूरेनियम मौजूद है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो 5 महीने में 12 यानी पूरे एक दर्जन परमाणु बम बना सकता है। सिर्फ यही नहीं, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन के मामले में भी तेहरान काफी आगे निकल चुका है। इसका साक्षात प्रमाण है इन मिसाइलों की बमबारी। इसे देखकर कभी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन खौफ में है। इसे देखकर अमेरिका का पेंटागन कई बार इमरजेंसी वार्निंग जारी कर चुका है। इसे देखकर अमेरिका का सहयोगी इजराइल बदले की कसम खा रहा है। इसे देखकर सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की तबाही का ट्रेलर है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ युद्ध अभ्यास कर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की पहचान उसकी परमाणु क्षमता है, परमाणु हमला करने की ताकत है, और यही न्यूक्लियर पावर ईरान को सवालों के घेरे में पहुंचा देती है। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर है? ईरान परमाणु बम बनाने के कितने करीब है? क्या वाकई में ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली है? अमेरिका के साइंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में ईरान और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर पूरी दुनिया खौफ में है।
ईरान के एटमी प्रोग्राम पर यूएन के पूर्व न्यूक्लियर इंस्पेक्टर और एक्सपर्ट डेविड ऑलब्राइट का कहना है कि इस वक्त ईरान सबसे बड़ा खतरा है। उसके पास एटम बम बनाने की न सिर्फ टेक्नोलॉजी मौजूद है बल्कि उसके लिए यूरेनियम भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर ईरान कुछ हफ्तों में पहला बम तैयार कर सकता है। वो चाहे तो 5 महीने में 12 बम बना सकता है। इसकी जानकारी दुनिया के ज्यादातर देशों के पास पहुंच चुकी है। बहत्तर साल से अपने जखीरे में परमाणु बम रखने वाले ब्रिटेन का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। वो साल था 1952 जब प्रशांत महासागर में क्रिसमस द्वीप के ऊपर परमाणु बम फोड़कर ब्रिटेन ने परमाणु क्लब के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद दुनिया के 6 देश परमाणु बम हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब दुनिया के परमाणु क्लब में नई एंट्री की आशंका से ब्रिटेन के लोग डरे हुए हैं। ब्रिटेन में आधे से अधिक लोगों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। ब्रिटेन की मशहूर सर्वे एजेंसी डेल्टा पोल ने द नेशनल के लिए एक खास सर्वेक्षण किया है। डेल्टा पोल के सर्वे में ब्रिटेन के 56% लोग ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से डरते हैं। उनका कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ब्रिटेन समेत दुनिया के लिए खतरा है। 11% लोगों का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ब्रिटेन के लिए नहीं बल्कि कुछ देशों के लिए खतरा है। वहीं 8% का मानना है कि इसका बिल्कुल भी खतरा नहीं है। दरअसल परमाणु बम को हासिल करने की दौड़ का कारण ही इसकी विनाशकारी ताकत है। एक ऐसी ताकत जो धरती से लेकर आसमान, पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक का सर्वनाश कर दे। ऐसे में इस हथियार को पाना अपने आप में किसी जीत से कम नहीं था। इसे हासिल कर लेने के बाद एक सुरक्षा कवच तो मिलता ही है, युद्ध के मैदान में भी जीत की गारंटी मिल जाती है। यही वजह है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के चलते इसराइल और ईरान में ठन गई है। सऊदी अरब के प्रिंस की आंखें तन गई हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रण किया है कि इसराइल ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। वहीं सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। साफ है खाड़ी में परमाणु बम की रेस शुरू हो गई है। दावा किया जाता है कि खाड़ी देशों में गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों को बनाने का काम चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम की एक बड़ी खेप को इकट्ठा कर लिया है। वैसे तो ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहला है नतांज और दूसरा फोर्डो में बना भूमिगत न्यूक्लियर साइट, जहां ईरान सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हो चुकी हैं। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीरें हैं। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। वहां भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी विकास किया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यही यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है कि जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है, जबकि उस डील में ईरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तय की गई थी।
IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3,809 किलो तक पाया गया, जो कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुई ईरान की परमाणु डील में तय की गई सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि अब तक ईरान इस रिपोर्ट को नकारता रहा है। ईरान अब तक यही कहता आया है कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के वरिष्ठ सलाहकार कमाल खराजी दावा कर चुके हैं कि ईरान तकनीकी रूप से परमाणु बम बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। ईरान का यह ऐलान पश्चिमी देशों और इसराइल के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर लिया गया। ईरान इसराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को दी गई सीधी धमकी। Iran's nuclear ambitions, this policy must change. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. As long as I'm Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons. जब 22 सितंबर 1979 को रहस्यमय परमाणु परीक्षण किया। 22 सितंबर 1979 इजराइल रहस्यमय परमाणु परीक्षण। दावा यह भी किया जाता है कि इजराइल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगवे परमाणु रिसर्च सेंटर है, ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन इजराइल ने कभी भी खुद को परमाणु हथियारों से संपन्न देश नहीं बताया है। बावजूद इसके इजराइल पर ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला करने का भी आरोप लगता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। वहीं सऊदी अरब भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का विरोधी बनकर दुनिया के सामने आया है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने धमकी भरा ऐलान किया है। प्रिंस सलमान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरब के पास भी अपने परमाणु हथियार होंगे। We are concerned of any country getting a nuclear weapon. That's a bad move. If they get one, we have to get one for security reasons and for balancing power in the Middle East. But we don't want to see that. प्रिंस सलमान का कहना है कि अगर दुनिया 1,00,000 लोगों को मरते हुए देखेगी तो इसका मतलब है कि परमाणु हमला करने वाले देश बाकी दुनिया के साथ युद्ध में है। लेकिन इसी के साथ परमाणु हथियारों के निर्माण को लेकर सऊदी अरब ने अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस शर्त के साथ अगर ईरान बनाता है तो सऊदी अरब भी बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के नक्शे पर परमाणु हथियार से लैस दो नए देश बढ़ जाएंगे। पहला देश होगा ईरान, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी ताकत के साथ परमाणु बम बनाने की जुगत में है। दूसरा देश होगा सऊदी अरब, जिसके प्रिंस सलमान साफ साफ शब्दों में दुनिया को बता चुके हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होगा तो सऊदी अरब के पास भी अपना परमाणु बम होगा। ये पहली बार नहीं जब सऊदी अरब की तरफ से ईरान के संभावित खतरे को देखते हुए परमाणु बम से जुड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पिछले साल बयान दिया था कि अगर तेहरान को ऑपरेशनल परमाणु हथियार मिलता है तो सऊदी अरब अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों की तरफ कदम बढ़ाएगा। सऊदी अरब के पास साल 1987 से ही ऐसी मिसाइलें हैं जिसमें न सिर्फ परमाणु बम फिट हो सकते हैं बल्कि परमाणु हमला भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1987 में सऊदी अरब ने चीन से दर्जनों की तादाद में BF-3A मिसाइल खरीदे थे।
पिछले 36 साल से चीन में बनी ये मिसाइल सऊदी अरब में ही तैनात है। दावे के मुताबिक रॉयल सऊदी सामरिक मिसाइल सेना के पास करीब 60 DF-3A मिसाइल है। 2014 में सऊदी अरब ने एक परेड में इन मिसाइलों को दिखाया भी था।